तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर दोबारा से आ चुके हैं अपने GTA 5 के अंदर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पिछली वाली वीडियो के अंदर याद होगा, वहाँ पर पता है क्या हुआ था, जो अपना सुपर हीरो था ना, वो फ्रैंकलिन और मोटेंट की बर्थडे पार्टी से लौट कर आ रहा था, पर अचानक से सुपर हीरो की कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है। तो जैसे सुपर हीरो अपनी कार को देखने के लिए नीचे उतरता है, एकदम पीछे से आकर मिस्टर मीट सुपर हीरो को मारने की कोशिश करता है। और मिस्टर मीट से सुपर हीरो नहीं मरता तो वो उसके हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांधने के बाद वो उसको अपने कंधे पर उठाकर ग्रैंडपा के पास ले जाता है। तो वो दोनों मिलकर सुपर हीरो को किडनैप कर लेते हैं। सुपर हीरो के किडनैप होने से पहले उसने रोप हीरो और टिप्सन को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी कार इस जगह पर खराब हो चुकी है। तो उस टाइम पर रोप हीरो और टिप्सन सो रहे थे। इस बात का रोप हीरो और टिप्सन को सुबह पता लगता है, तो वो अपनी KTM उठाकर सुपर हीरो की लोकेशन पर आ जाते हैं। बट वहां पर उन लोगों को सुपर हीरो तो दिखता ही नहीं है। फिर रोप हीरो और टिप्सन सुपर हीरो को ढूंढने लग जाते हैं। बट जैसे तैसे करके रोप हीरो और टिप्सन सुपर हीरो को ढूंढ निकालते हैं, और सुपर हीरो के वहां पर हाथ पैर बंद रहे थे। जैसे ही रोप हीरो सुपर हीरो के हाथ पैर खोलने वाला था, वहां पर एकदम से ग्रैंड पा जाता है। ग्रैंड पा कर टिप्सन के सिर में क्रोबार मार देता है और टिप्सन नीचे गिर जाता है। जैसे ही रोप हीरो को पता लगता है तो ये रोप हीरो के सिर में भी क्रोबार मार देता है। रोप हीरो ने ग्रैंड पा के ऊपर शूट करने की तो काफी ज्यादा कोशिश की, पर ग्रैंड पा ने रोप हीरो को शूट करने का एक भी मौका नहीं दिया और बहुत ही बेरहमी के साथ रोप हीरो को भी मार। तो यहाँ पर रोप हीरो और टिप्सन दोनों मर जाते हैं। इन दोनों को मारने के बाद ग्रैंडपा एक एक करके घसीट कर किसी दूसरी जगह पर ले जाता है और वहां पर इन दोनों को ले जाकर लिटा देता है। और ग्रैंडपा फिर से इन दोनों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने के लिए लग जाता है। अब ग्रैंडपा के दिमाग में क्या आती है, ग्रैंडपा आग जलाता है और रोप हीरो को थोड़ा सा घसीटता है, आग के पास लेकर जाता है और रोप हीरो के ऊपर आग लगा देता है। रोप हीरो तो पहले ही मर चुका था, पर ग्रैंडपा आग लगाकर रोप हीरो को पूरा जला डालता है और वहां पर तब तक बैठा रहता है जब तक रोप हीरो पूरा जलकर राख नहीं हो जाता है। तो पिछली वीडियो के अंदर ये सब कुछ हुआ और आज की वीडियो हमारी बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि हम लोग सुपर हीरो रोप हीरो और टिप्सन इन तीनों को ही बचाकर लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम लोग रोप हीरो और टिप्सन को कैसे बचाएंगे, वो तो पहले से ही मर चुके हैं। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, अब हम लोग यहां से सीधा आयरन मैन के पास जाने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा आयरन मैन के पास टाइम मशीन है। हम लोग टाइम मशीन से पीछे जाएंगे और जहां पर वो ग्रैंडपा रोप हीरो और टिप्सन को मारता है, तो उससे पहले ही हम लोग ग्रैंडपा को मार डालेंगे, रोप हीरो और टिप्सन को बचा लेंगे। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, यहां पर तीन कलर की लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। जो मेरा फेवरेट कलर है वो है ग्रीन और रेड, बट हम लोग दो कार तो एक साथ लेकर जा नहीं सकते, तो अभी फिलहाल हम लोग ग्रीन कलर की कार में जा रहे हैं। और गाइस आप लोग प्लीज यार इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना यार, एक वीडियो को बनाने में ना सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और मैंने आप सभी लोगों से पिछली वाली वीडियो के अंदर बोला था कि इस वीडियो पर आप लोगों को 5000 लाइक्स करने हैं, पर आप लोगों ने इस वीडियो पर तो 5000 लाइक्स किए ही नहीं थे। तो आज की वीडियो पर तो आप लोग 5000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो पर तो 5000 लाइक्स कंप्लीट कर ही दोगे, तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी आपको मेरे इस YouTube चैनल पर GTA 5 की बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस मिलने वाली। और भाई ये बंदे कौन है, ये हमारे ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को आगे से घुमाकर लेकर आता हूँ और अब देखता हूँ ये बंदे कौन है। अरे गाइस ये तो वो बंदे हैं जो GTA 5 के अंदर क्राइम फैलाते हैं और बंदों को किडनैप कर लेते हैं, पर मैं तो उनको पहले भी काफी बार मार चुका था। ये पता नहीं अचानक से जिंदे होकर कैसे आ जाते हैं। पर गाइस अभी फिलहाल हमारे साथ दिक्कत पता है क्या चल रही है, जो अपना हल्के ना उसके पास सुपर पावर्स नहीं है। मतलब अगर हल्के के पास सुपर पावर्स होती ना तो इनमें से किसी की भी खैर नहीं थी। अभी फिलहाल हम इन सब लोगों को अकेले मारते हैं, हल्के के पास सुपर पावर्स आगे जाके जाएंगी। तो इसको ब्लास्ट करता हूँ, ये तो ब्लास्ट हो गया, इसकी कार को भी ब्लास्ट ही कर देता हूँ। तो इसकी कार भी ब्लास्ट हो गई, ये कैसे बच गई, पर अब नहीं बच पाएगी ये कार। तो ये कार भी ब्लास्ट हो गई। अरे हल्क भाई तू टेंशन मत ले, मैं इन सबको अकेला ही काफी हूँ। और भाई साहब जरा आप लोग एक बार मोटेंट का हाथ देखो, उसके हाथ पर कितना ज्यादा खून लग चुका है। इसको तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इसको तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। देखो इसके ऊपर आग लग गई, भाई साहब कितना तड़प रहा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई और बचा होगा, पर मैप में शो कर रहा है कि एक बंदा और है, वो दिख क्यों नहीं रहा, गोली चला रहा है। भाई सामने आकर गोली चलाना, ओ हो तेरी ऐसी की तैसी। अगर गाइस मैंने इसके ऊपर फायरिंग की तो मेरी
मेरी लैम्बर्गिनी भी जाएगी, पर मैं दूसरी ले लूंगा, इसके ऊपर फायरिंग जरूर करूंगा मैं। तो गाइस मेरी लैम्बर्गिनी के साथ ये भी ब्लास्ट हो गया, जंगल में तो लग चुकी है आग। अब मुझे लगता है कि ये आग पूरे जंगल में लगने वाली है, तो हल्क और मैं फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकल लेते हैं, कभी भाई दिक्कत पड़ जाए, पूरा जंगल जल के राख हो जाए। वैसे आग लगेगी नहीं, और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आयरन मैन के पास। बस आई होप कि उस जगह पर आयरन मैन मिल जाए। वैसे तो मैंने आयरन मैन को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं उससे एक ब्रिज के पास मिलने वाला हूँ। और गाइस मुझे पता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आती है, और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस को भी अपलोड नहीं कर पाता यार। मैं गाइस काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियोस को अपलोड कर दूं, बट यार पता नहीं यार वीडियोस अपलोड करने का ना मन सा नहीं करता जब आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट थर्ड जल्दी आने वाला है। मैंने पार्ट थर्ड रिकॉर्ड तो कर लिया है, बस उसकी थोड़ी सी एडिटिंग और रह गई है। एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं पार्ट थर्ड को भी अपलोड कर दूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो GTA 5 के अंदर क्या मस्त मौसम हो रहा है। तो ये लो जिस जगह पर हमें आना था हम लोग उस जगह पर तो आ चुके हैं, पर यहाँ पर आयरन मैन तो है ही नहीं। कार से उतर के देखता हूँ किधर गया, पर आयरन मैन ने तो हमसे यहीं पर ही कहा था, लेकिन आयरन मैन तो है ही नहीं। तो ये लो यहाँ पर आयरन मैन भी आ चुका है। अब मैं वो सारी की सारी बात आयरन मैन को समझा देता हूँ, जिससे आयरन मैन हमें टाइम मशीन से पीछे ले जाए और हम लोग सुपर हीरो रोप हीरो टिप्सन को बचा सके। तो ओके गाइस सर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने आयरन मैन को सब कुछ समझा दिया है। अब हम तीनों उसी जगह पर टाइम मशीन से पीछे जाने वाले हैं और रोप हीरो टिप्सन सुपर हीरो को जाकर बचा लेंगे। तो अब टाइम आ चुका है टाइम मशीन से टेलीपोर्ट होने का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग टाइम मशीन से टाइम को पीछे करके उसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर रोप हीरो टिप्सन और सुपर हीरो को किडनैप किया गया था। और अब मैं बन चुका हूं हल्क, और जैसा कि आप लोग मेरे हाथों में देख सकते हो ये बैट। अब ये बैट इस ग्रैंड पापर फिरने वाला है भाई साहब, इसकी ना मैं बहुत तगड़ी बैंड बजाने वाला हूं। ये हमेशा इसी तरह से करता रहता है, ये खड़ा वो टकला ग्रैंड पा। अब मैं इसका सिर फोड़ने वाला हूं भाई साहब, ये तो मेरे से किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाला। तेरी ऐसी की तैसी ये ले बुड्ढे टकले कहीं के, तू भाई साहब रोप हीरो और टिप्सन को मारेगा। ये देखो देखो ये उठ गया, मार मार भाई म्यूटेंट मार, इसको छोड़ना मत। अरे भाई म्यूटेंट तूने तो टिप्सन को भी घायल कर दिया। चलो कोई नहीं गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो टिप्सन तो अपना उठ जाएगा, पर ये ग्रैंडपा भाई हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है। अबे किधर भाग गया गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई ये ग्रैंडपा ना यहाँ से बहुत ही स्पीड दिखा रहा है, पर तू बचेगा नहीं भाई। किधर है यार, दिख नहीं रहा। अरे तेरी ऐसी की तैसी यहाँ पर है, इसके सर पर मारता हूँ एक मैं। इसका सर तो फूट गया, देखो ये कैसे मरने का नाटक कर रहा है। पर इसने रोप हीरो और टिप्सन के साथ जाने क्या क्या किया था, अगर मैं इससे थोड़ी सी भी नजर बचा लूँ ना तो देखो कैसे भाग गए ये। मैंने इससे जैसी नजर बचाई और ये यहाँ से कैसे निकल गया, देखो कितनी ज्यादा आगे भाग गया। पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं भाई साहब, इसका पीछा पकड़ ही लूंगा मैं। अबे रुक जा डरपोक ग्रैंडपा कहीं के, तू हर बार GTA 5 के अंदर जिंदा होकर आ जाता है। अभी मैं काम करता हूँ, फुल स्पीड में भागता हूँ यहाँ से। इसकी ऐसी थी तैसी आज इसको मैं पकड़ कर ही रहूंगा, या तो ये ग्रैंड पर रहेगा या फिर मैं रहूंगा GTA 5 के अंदर। देखो भाई कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, तेरी ऐसी की तैसी कट मार मार कर भाग रहा है, तेरी ये ऐसी की तैसी। तो भाई साहब अब तो तू बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तू तो गया भाई, किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाला। इस बार तो तेरे को मैं ऐसा मारूंगा भाई साहब, तू जिंदा भी नहीं होगा दोबारा। मैंने इसको काफी बार मार दिया है पर ये जिंदा हो जाता है, हर बार उठने की कोशिश करता है। देख सकते हो आप लोग अभी भी उठने की कोशिश कर रहा है, पर इस बार तो इसकी ऐसी चटनी बन गई ना, इसके पिछवाड़े पर इस कदर डंडा फिरा अभी उठने लायक नहीं रहेगा। अभी मैं एक काम करता हूं, इसके पास ना ग्रेनेड फेंक देता हूं, इसका जड़ से ही किस्सा खत्म कर देता हूं। ये ले अभी ये ब्लास्ट होने वाला है यहां से। तो गाइस यहां पर देखो मैंने ग्रैंड पाके तो चीतड़े उड़ा दिए भाई साहब, टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे ग्रैंड पाके। अभी बस मेरे को ढूंढना है मिस्टर मीट को, तो अभी फिलहाल हम लोग वहीं पर ही चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं उसी जगह पर आ चुका हूं। अब हम सबको एक काम करना है, सबसे पहले तो मिस्टर मीट को ढूंढना है और उसको ढूंढते ही मार डालना है। ओह नो शिट, मैं एक चीज तो भूल गया, मैंने अभी तक सुपर हीरो के हाथ पैर तो खोले नहीं, ये यहीं पर ही पड़ा है बेचारा। अबे खोल रहा हूं भाई, खोल रहा हूं, डोंट वरी, बस थोड़ा ध्यान नहीं रहा था इस वजह से तेरे हाथ नहीं खोल पाया। तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने सुपर हीरो के भी हाथ खोल दिए, और सुपर हीरो के हाथ पैर खुलते ही ना सुपर हीरो भाई साहब ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए जा रहा है और मिस्टर मीट को। बट ग्रैंडपा को तो मैंने पहले ही मार दिया, अब बस मिस्टर मीट बचा है। पहले तो तुम सबके सब मेरे पास आओ, इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया मैं सब लोगों को अभी बाद में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं बन चुका हूँ रोप हीरो, वो आइडिया मैं आप लोगों को रोप हीरो से बताऊंगा। सबके सब तुम पहले तो इस कार के अंदर बैठो, ठीक है, गाड़ी के अंदर जल्दी से सबके सब बैठ जाओ। तो यहाँ पर टिप्सन बैठ गया, हल्क अंदर बैठ गया, सुपर हीरो गाड़ी के बाहर बैठ रहा है, और आयरन मैन गाड़ी के बाहर बैठ रहा है। म्यूटेंट रह गया, म्यूटेंट भी आ ही जाएगा, मैं इसीलिए बड़ी गाड़ी लेकर आया था, ठीक है, मैंने बड़ी गाड़ी मंगवा ली है। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं मिस्टर मीट की तलाश में। मेरे को एक ठिकाना मालूम है जहाँ पर हम लोगों को मिस्टर मीट मिल सकता है, बट आप लोग अरे भाई ये कौन है,
अरे 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 तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, हमारे ऊपर फायरिंग क्यों कर रहा हूँ ये? तो भाई वही बंदे हैं और सुपर हीरो बाइक कार से नीचे गिर गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा जल्दी से गाइस, सबसे पहले इन सारे बंदों को ऊपर शूट करना पड़ेगा, इन्हें मारना पड़ेगा। भाई साहब GTA 5 के अंदर ये किडनैपिंग वाले बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तो इनको भाई साहब बहुत बुरा मारना पड़ेगा जिससे दोबारा ना आए। हम लोग जब स्टार्टिंग में आ रहे थे तब भी हम लोगों को मिल गए थे, इनकी वजह से हमें अपनी एक लैम्बोर्गिनी को गवाना पड़ा था हरी कलर की, पर इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। इस बार क्योंकि हम बहुत सारे हैं, हल्क भी फायरिंग कर रहा है, मोटेंट भी फायरिंग कर रहा है, रोप हीरो टिप्सन लगभग सभी फायरिंग कर रहे हैं, तो इस बार इन गैंगस्टरों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये तो मर गया, और ये कहां से फायरिंग कर रहा है तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहां से पहली फुर्सत में। और भाई साहब देखना जरा इसका, ये कहां से फायरिंग कर रहा है, तो इसको तो मैंने मार डाला, और इसके ऊपर तो ये बल्ला फेरूंगा। मार मोटेंट इसको, नहीं मर रहा है तो मैं इसको पर ये बैट फेरता हूँ। तो ये ले बेटा, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। ओहो भाई ये बंदा इस जाल के अंदर खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है, इसको यहाँ से मैं कैसे मारूंगा? ऊपर चढ़ गया ये तो, ऊपर चढ़ के फायरिंग कर रहा है। एक मिनट बेटा, अभी पीछे ही आ रहा हूँ मैं, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो ये लो भाई साहब, मैं पीछे ही आ गया। और कहाँ भाग रहा है? अबे रुक, डरपोक कहीं के पीछे को जा रहा है। अरे गाइस ये तो मर ही नहीं रहा है भाई, म्यूटेंट फायरिंग कर इसके ऊपर। भाई म्यूटेंट इसके ऊपर फायरिंग कर रहा है पर इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा है, हल्क भी घायल हो गया, पीछे जाता जा रहा है। तेरे सिर पर एक बैट मारता हूँ, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। भाई साहब बहुत नाटक कर दिए थे इसने मरने में। तो ये तो मर गया, और अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे हैं, एक ही रहा कार के पीछे, यहाँ पर चुपके फायरिंग कर रहा है बेटा। हाँ अबे यार टिप्सन भी गिर गया, बट मैंने इसके ऊपर जो बैट फेरा ना, बहुत गंदा वाला फेरा मैंने इसके ऊपर बैट। अबे टिप्सन भाई यहाँ मत छिपे वरना कोई भी मार सकता है तेरे को। ओ भाई उठ गया ये तो वापस से, तू उठा कैसे? तेरे को इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं। तो चलो भाई इसको तो मार दिया म्यूटेंट ने, अभी फिलहाल मुझे इस बंदे को देखना है। ओहो दो दो हैं यहाँ पर, इन दोनों के ऊपर बैट फेरता हूँ। तो दोनों तो ये बेहोश हो गए, बट ये उठने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर भी बैट फेरता हूँ मैं। टिप्सन भाई मुँह क्या देख रहा है तू? तो भाई छुपता ही फिर रहा है। आयरन मैन ने भी काफी ज्यादा बंदों को मार दिया, बट आयरन मैन पीछे वाले सारे बंदों को मार के आया है, तो यहाँ पे आयरन मैन का काम भी नहीं है, हम ही सब काफी इन सबको मारने के लिए। तो इसको ब्लास्ट करता हूँ मैं, ये तो इसके तो चीतड़ उड़ गए। और कौन रह गया भाई, देखो कैसा आग लग गई इसके ऊपर, ये तो भाई बचने वाला है नहीं। और इसको भी ब्लास्ट करता हूँ मैं, तो इसका भी ब्लास्ट हो गया काम तमाम। और तू कैसे बच गया बेटा? तेरे ऊपर बैट फेरता हूँ मैं, इसके ऊपर तो बहुत गंदा वाला बैट फेरेगा गाइस, बहुत बुरी चटनी बनने वाली है इसकी। ये ले बेटा, हाँ अगली बार आएगा GTA 5 के अंदर क्राइम करने के लिए तू। चलो भाई यहाँ पर मैंने लगभग सभी को मार दिया है, तो अभी फिलहाल हम लोग फटाफट से गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो ओके गाइस मैं गाड़ी के पास आ चुका हूँ, तुम सब लोग भी जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। और सुपर हीरो की कार भी लगभग ठीक हो ही गई होगी, मैंने मैकेनिक को कह दिया था कि सुपर हीरो की कार को रिपेयर करना है, तो वो ठीक हो गई होगी। तो हम लोग उस कार को उठा लेंगे, मतलब सुपर हीरो अपनी कार को लेकर आ जाएगा, और हम लोग चलते हैं मिस्टर मीट को ढूंढने के लिए। और भाई साहब आज अगर मिस्टर मीट मिल गया ना, तो उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, मुझे खुद को नहीं पता। तो ये आ गई सुपर हीरो की कार, रोल्स रॉयस। तो सुपर हीरो फटाफट से भाई तू अपनी कार को लेकर आ जा, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? तो सुपर हीरो से मैंने कह दिया है, सुपर हीरो अपनी कार को लेकर आ जाएगा, और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं मिस्टर मीट को ढूंढने के लिए। जल्दी से भाई बैठ जाओ यार, पीछे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वरना मिस्टर मीट बहुत आगे निकल जाएगा। अरे जल्दी बैठो यार, कम ऑन म्यूटेंट, जल्दी, बहुत लेट हो जाएंगे वरना हम लोग। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग देख सकते हो म्यूटेंट और टिप्सन पीछे बैठ चुके हैं, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और सुपर हीरो भी पीछे पीछे धीरे धीरे कार को लेकर आ ही रहा है। और शिट ये क्या हो गया, मैंने कार को ठोक दिया। चलो सुपर हीरो घर पहुंच जाएगा, अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं मिस्टर मीट को ढूंढने के लिए। आई थिंक मिस्टर मीट की गाड़ी यहीं से जाने वाली होगी, क्योंकि मिस्टर मीट यहीं को आता जाता होगा पक्का, क्योंकि मिस्टर मीट का ये रास्ता है। यहाँ पर मिस्टर मीट हो तो सकता है, पर हम लोग मिस्टर मीट को ना पार्ट 3 में मारेंगे, पार्ट 3 में। ओ एक मिनट, ये तो भाई ग्रैंडपा की वैन है ना, इसको रोकता हूँ। एक मिनट, इसके अंदर मेरे को दूसरा ग्रैंडपा लग रहा है, जल्दी से रोकता हूँ इसको। अबे कहाँ लेकर जा रहा है, ब्रेक मार, ब्रेक जल्दी। भाई ये तो रोकने का नाम नहीं ले रहा है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है। जल्दी से उतरो भाई सबके सब, इस कार के अंदर देखते हैं। ओ इस कार के अंदर तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, निकलना जरा तुम बाहर एक मिनट। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकर भागोगे कार को? तो इस वैन के अंदर तो गाइस कुछ भी नहीं है, मैंने चारों तरफ से देख लिया, देखो जरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो यार। पर मिस्टर मीट कहाँ गया? और ग्रैंडपा को तो मैंने मार दिया, पर मिस्टर मीट को होना चाहिए था इसके अंदर। ये वैन तो मिस्टर मीट की है ना, पर इसके अंदर तो है ही नहीं।
हम लोग मिस्टर मीट को जैसे तैसे करके ढूंढ लेंगे, बट आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से यार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट थर्ड आने वाला है और पार्ट थर्ड इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हम लोग जाएंगे मिस्टर मीट को ढूंढने के लिए। एंड आप लोगों को पता होगा यार मिस्टर मीट कितना ज़्यादा खतरनाक है, उसने हमारे सुपर हीरो को किडनैप कर लिया था। चलो हमने जैसे तैसे करके ग्रैंडपा को तो मार दिया, लेकिन अब चक्कर है मिस्टर मीट का। अब देखते हैं भाई हमें मिस्टर मीट कहां पर मिलता है। तो चलो यार गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो ये अच्छी लगी आप लोगों को तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक का बटन दबा दो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।